दोस्तों अभी मेरे पास सुजुकी SS125 CC आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये गाड़ी ऑल मॉडल गाड़ी है। ये गाड़ी में कैसे है, स्पार्क प्लग जो होता है उसमें करंट नहीं आता, जब करंट नहीं आता कोई भी मैकेनिक कैसे उसको चेक करते, पहले आदमी क्या करता है CDI को चेक करता है, अगर CDI सही है तो समझ लो वायरिंग चेक करते, वायरिंग चेक करने के बाद अगर उसका समझ लो मैग्नेट में जो होता है पिकअप कॉल अगर वो ख़राब है तो उसको चेक करने का आज वीडियो के अंदर तरीका बताऊंगा। और इससे पहले मेरा एक वीडियो बनी है एक्टिवा का, तो सुजुकी SS का नहीं बना हुआ है, तो जैसे एक्टिवा का बना हुआ है ऐसे सेम समझ लो ये भी है, तो मुझे थोड़ा गाड़ी में फ़र्क है, वो एक्टिवा है SS है। अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये गाड़ी को मैंने चेक किया था कि CDI इसका वायरिंग सही है, अगर CDI वायरिंग सही है, जैसे सबका चेक करने का तरीका है, अगर सबसे पहले आप वो पीछे चेक करो, अभी हमारे पास जो लड़का है उसने सब चेक किया था CDI, अभी मैंने जब चेक किया सबसे पहले आपको जो इजी वाला काम चेक करना चाहिए, इजी वाला कैसे जो पीछे होता है वो चेक करना चाहिए, मैं तो जो पीछे रहता है वो चेक करता हूँ। अभी लड़के ने जो हुआ था सब CDI खोल के पूरा चेक किया था, दूसरा भी CDI डाला था, तभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे गाड़ी गंदी है, गाड़ी गंदी रहता है उसको वॉश करने का हमारे इधर चार्ज बहुत ज़्यादा है इसका, खाली वॉश करने का, तो गाड़ी जो हमारे पास काम के लिए आया हुआ है वही काम करेंगे, अगर इसको वॉश कराएंगे तो कस्टमर जो होता है वो पैसा नहीं देता है, क्योंकि खाली वॉश करने का हमारे इधर 180 रुपया चार्ज है, 180 रुपीज़ खाली चार्ज है वॉश करने का, अगर डीजल वॉश करेंगे तो इसलिए वीडियो में बता रहा हूँ कि हमारे पास कमांड आया था, बोलता सर पूरी गाड़ी गंदी है आपने वॉश नहीं कराए, तो जब कस्टमर बोलता तभी मैं वॉश कराता हूँ, नहीं तो नहीं कराता हूँ। अब ये देखिए आपको मैं मीटर दिखा रहा हूँ, और मीटर देखिए किस पे है, ये इस पे लगा हुआ है, ये देखो एरो बना हुआ है, ये अगर आपस में टच करेंगे, ये देखो साउंड आता है थोड़े टी करके, तो इसको इस पे रखना चाहिए, की का मारो या मत मारो तभी भी चेक कर सकते हो, आपको बताऊँगा कि ये देखो कैसे इसको चेक किया जाता है। ये देखिए ए वायर और ए वायर यहाँ से आया हुआ है, समझ लो आपका ऐसे लाइट नहीं चालू है, बैटरी अगर आपका गाड़ी का नहीं चार्ज हो रहा है, आपका लाइटिंग नहीं हो रहा है, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले यहाँ चेक करना चाहिए, जहाँ से पैदा होता है कोई भी चीज़ वहाँ से चेक करना चाहिए। अभी ये देखिए ये हो गया पिकअप कॉइल का ये वायर, ये देखिए कलर देख लीजिए, ये पिकअप कॉइल का वायर है, और दो ये जो सॉकेट में दो लगा हुआ है समझ लो लाइटिंग का है, एक बैटरी चार्ज करने का। अभी मैं इसमें ये देखिए एक वायर यहाँ लगा दिया हूँ, अभी एक समझ लो जो इंजन का चेसिंग होता है देखिए यहाँ मैंने लगाया हूँ, ये देखिए ये देखो अभी कभी बताता है कभी नहीं बताता, ये देखिए वापस देख लीजिए, ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर का पिकअप कॉइल होता है वो पिकअप कॉइल ख़राब भी हो सकता है, वायर भी टूटा हुआ रहेगा, दोनों में से क्या चीज़ हो तो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा, और जैसे ओपन करने के इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बनी है, आपको दिखा दे रहा हूँ खाली पिकअप कॉइल कैसे चेक किया जाता है। अभी देखिए वापस दिखा दे रहा हूँ, देखो गया, अभी मैं एक गाड़ी हो गई, अब दूसरी गाड़ी में आपको बता रहा हूँ मैं। अभी ये देखिए सुजुकी SS ओल्ड मॉडल ए भी गाड़ी है, अब इसका आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कोई आदमी भरोसा करता है नहीं, बोलता है सर गलत बताते, मेरा वीडियो ऐसे है कि मैं गलत किसी को चीज़ नहीं बताता हूँ, पहले मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करने के बाद ही वीडियो डालता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ मैं। अभी ये देखिए गाड़ी का ए भी है, अभी इसको मैंने भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, मीटर देख लीजिए पोजिशन मीटर का ये लगा हुआ, आप टेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए अभी इसको ये देखिए इसको ओपन मैं कर दे रहा हूँ, एक ये देखिए ये ओपन कर दिया हूँ, कलर भी देख लीजिए, अभी देखिए ये वायर मैंने यहाँ लगा दिया हूँ, ये देखिए टच कर दिया हूँ, ये देखिए, और उसके बाद में ये लगा रहा हूँ, देखिए बताना चालू हो गया, देखिए वापस, अभी इसको मैं उल्टा करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसको उल्टा या सीधा भी लगाओ चलता है, देखिए अभी मीटर भी देखो बता रहा है, देखिए अगर समझ लो ये बता रहा है, ये देखिए अगर आपको ऐसे बता रहा है जैसे समझ लो आपका जो अंदर पिकअप कॉइल होता हो बराबर परफेक्ट है, सही है, कुछ ख़राबी नहीं है, अगर नहीं बता रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी गाड़ी का पिकअप कॉइल ख़राब है, नहीं तो वायर टूटा हुआ है।
अगर ये गाड़ी समझ लो आपको ओरिजिनल डालना है तो आपको पूरा मैग्नेट जो कॉइल होता है वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, अलग से पिकअप कॉइल ओरिजिनल कंपनी का मिलता नहीं है। अभी इसको मैं ये ज्वाइन कर दे रहा हूँ। अभी बंदा किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम है, तो एक किस लिए होता है क्योंकि जो होता है ये आपको जो बताया हूँ, इसमें जो करंट नहीं आता है, जो प्लग का वायर होता है इसमें नहीं करंट आता है, तो ये सब चीज़ चेक करना पड़ता है। वहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, सबका काम करने का तरीका अलग है। मैं अगर हमारे पास गाड़ी बंद हुई आई हुई थी तो सबसे पहले मैं पिकअप कॉइल का जो होता है पिकअप कॉइल वाला जिसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं होता है, तो मैं सबसे पहले पिकअप कॉइल को वायर चेक करता हूँ, फिर उसके बाद में वायरिंग चेक करता हूँ, फिर उसके बाद में सीडीआई चेक करता हूँ। ये चेक करने का तरीका है सबका, से मैकेनिक का तरीका अलग अलग होता है चेक करने का, और हमारा तरीका यही चेक करने का। अगर हमारे पास समझ लो सीडीआई है तो मैं डायरेक्ट सीडीआई डाल के देख लेता हूँ, अगर नहीं है तो पहले वायरिंग चेक करता हूँ, पिकअप कॉइल चेक करता हूँ, फिर बाद में सीडीआई पर डाउट आता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम अभी जो लेटेस्ट गाड़ी में आई है सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम हो रहा है कि पिकअप कॉइल का सीडीआई, अगर सीडीआई जो उड़ता है तो शॉर्ट सर्किट जैसे लूज कनेक्शन रहता है, इसके वजह से सीडीआई ज़्यादा उड़ता है, नहीं तो सीडीआई नहीं उड़ता है, वह ख़राब नहीं होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास वो ईजी से। दोस्तों मैंने अभी समझ लो आपको कॉइल मैंने चेंज करके बता रहा हूँ, ये चेंज हो चुका हुआ है, और जो है नया कॉइल होता है नया कॉइल का प्राइस देखिए, कि हमारे पास जल्दी कमेंट आ जाता है कि इसका प्राइस क्या है, देख लीजिए 1150 रुपया इसका कंपनी का प्राइस है नया। ये आप डेट देख लीजिए, डेट के हिसाब से अभी जो नया आया हुआ रहेगा तो उसका प्राइस ज़्यादा है, नहीं तो आप सोचोगे कि इसका प्राइस कम, इसका प्राइस बढ़ता है कम नहीं होता है। ऑफर रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस इसका जो ये है ये जूना वाला है, देखिए डेट डाला हुआ है, अभी जो नया प्राइस आया हुआ है तो उसका थोड़ा महंगा है। तभी हमारे पास जो जिस दुकान से लेके आए हो दुकान से भी ये पहले जो पिछला जो प्राइस था वो दिए, अभी नया प्राइस वाला महंगा है। वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक कॉल आता है, कमेंट आता है, बोलते हैं सर इतना कॉल इतना महंगा हो गया हुआ, महंगा होता है तो कंपनी वाला महंगा करता है, और जो नया रहता है नया में लिख के आता है प्राइस, आप देख लीजिए प्राइस कैसे होता है, कम नहीं होता है जहाँ हम लोग लेके आते हैं। जैसे आप सोचोगे कि 1150 का है तो 1000 रुपये मिल जाना चाहिए, 800 मिल चाहिए, ऐसे नहीं होता। मैंने जितना लिखा है उतने प्राइस में मैंने नया लेके आया हूँ। अब ये जूना वाला इसमें जो होता है पूरा देख लीजिए, इसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं आता, इसमें खाली इसको बोलते हैं पिकअप कॉइल, ये देखिए एक पिकअप कॉइल है, पिकअप कॉइल ख़राब हो जाता है तो करंट आना बंद हो जाता है, ये देख लीजिए इसको पिकअप कॉइल बोला जाता है। और आपको अगर खोलना है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, कोई दूसरा आदमी खोला हुआ था तो कट करके खोले हुए दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये खोलने के लिए आपको पूरा ये सब चीज़ ओपन करना पड़ता है, इसके ऊपर रिपीट कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है, आपको अगर खोलना है सब चीज़ तो जो पीछे का शॉकअप है वो खोल के निकाल सकते हो, पूरा इंजन आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है।